नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट हसल। दोस्तों, भारतीय कप्तान शिखर धवन ने ओडीआई मैच की प्लेइंग 11 को लेकर किया बड़ा खुलासा। तो क्या होने वाली है भारत की प्लेइंग 11 बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो अगर आप भी शिखर धवन के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में कदम रख दिया है। भारतीय टीम श्रीलंका में 13 जुलाई से वनडे सीरीज खेलेगी और इसके बाद 3 मैचों की T20 सीरीज भी खेली जाएगी। 4 सप्ताह के दौरे पर आई भारतीय टीम में 6 नए खिलाड़ी भी शामिल हैं। नियमित कप्तान विराट कोहली टेस्ट टीम के साथ अभी इंग्लैंड का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में धवन की अगुवाई वाली टीम में भुवनेश्वर कुमार उप कप्तान हैं, जबकि राहुल द्रविड़ इस टीम के कोच हैं। भारतीय टीम दौरे पर अभ्यास के लिए अपनी 2 टीमें बनाकर आपस में अभ्यास मैच खेलेगी और यह अभ्यास मैच आज से शुरू भी कर दिया गया है और सभी खिलाड़ी जमकर अभ्यास कर रहे हैं। दोस्तों, वनडे सीरीज का पहला मैच 13 जुलाई को खेला जाएगा, दूसरा वनडे 16 जुलाई को, तो वहीं तीसरा मुकाबला 18 जुलाई को होगा। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का आगाज 21 जुलाई से होगा। दूसरा T20 मैच 23 जुलाई और तीसरा T20 मैच मुकाबला 25 जुलाई को खेला जाएगा। दौरे के सभी 6 मुकाबले कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाने वाले हैं। तो इस मुकाबले के लिए क्या होगी भारतीय टीम की जबरदस्त प्लेइंग 11, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, ODI के मुकाबले में नंबर 1 पर होंगे पृथ्वी शॉ और उनके साथ ओपनिंग करेंगे शिखर धवन। नंबर 3 पर होंगे सूर्य कुमार यादव। नंबर 4 पर संजू सैमसन। तो वहीं नंबर 5 पर होंगे मनीष पांड्या। नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या। नंबर 7 पर कुणाल पांड्या। नंबर 8 पर होंगे भुवनेश्वर कुमार। तो वहीं नंबर 9 पर दीपक चहर। नंबर 10 पर होंगे नवदीप सैनी और नंबर 11 और आखिरी खिलाड़ी होंगे चेतन सकारिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत यह मुकाबला जीत पाएगा या नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो अगर आप भी शिखर धवन को एक बेहतरीन कप्तान और एक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।